हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे क्लास बेसिक मैथमेटिक्स में इंटरवल। तो इंटरवल होता क्या है? तो इंटरवल एक ऐसा चीज़ है कि जो आपको बहुत जगह यूज होगा, क्लास 11, क्लास 12, तो उसके आगे भी यूज होता रहता है। तो इसको हम लोग पहले पढ़ा देते हैं, इसका बेसिक नॉलेज दे देते हैं, बस इसको आपको देख लेना कि आखिर होता क्या है। तो इंटरवल नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरवल इंटरवल मतलब ये कि दो नंबर के बीच का गैप रहा होगा, दो नंबर के बीच का गैप। जैसे मूवी में इंटरवल होता है। इंटरवल का मतलब क्या है कि अगर मान लो मूवी देखने गए, 1:30 पे इंटरवल स्टार्ट हुआ, तो मान लो कि 1:45 में फिर मूवी स्टार्ट हो गया, तो वो जो 15 मिनट का गैप था, ये हमारा क्या हो गया? इंटरवल हो गया। तो इसी को बोलते हैं इंटरवल। तो इंटरवल कितने टाइप्स का होता है, यानी कि इंटरवल का मतलब हो गया गैप, दो नंबर के बीच का गैप होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरवल। तो इंटरवल दो तीन टाइप्स का इंटरवल्स होगा। वैसे के लिए हम लोग चार टाइप्स का इंटरवल देख यूज करते हैं। कौन कौन सा? जिसमें पहला है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ओपन इंटरवल को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो इस तरह से, मान लो कि हम दो नंबर ले लेते हैं, एक ए और एक बी। ए और बी, ये दो नंबर ले लिए, इन दोनों के बीच का हमें इंटरवल देखना है। कैसा? ओपन इंटरवल। तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, इस ये डिनोट करता है ओपन इंटरवल को, या फिर इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, ओपन इंटरवल कुछ ऐसा ही बोलते हैं, ये इस तरह से ऐसा भी लिखा हो तो समझेंगे क्या लिखा हुआ है, ओपन इंटरवल लिखा हुआ है। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है? ओपन इंटरवल लिख तो दिए हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या समझेंगे कि ऐसा लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब ये है कि, और यहाँ पे हम लोग क्या लिए कि जो ए आगे वाला नंबर होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, छोटा होगा दूसरे वाले नंबर से, क्योंकि छोटे नंबर से ही तो बड़े नंबर तक उड़ जाएंगे हम लोग। तो ए छोटा है बी से, यानी बी बड़ा है ए से। तो अगर हम लोग नंबर लाइन की बात करें कि नंबर लाइन पे अगर मान लो कि ये ए है, तो ए से बी बड़ा है, तो ए के बाद बी रहा होगा, तो ये रहा बी। तो जब हम लोग ओपन इंटरवल ए टू बी लिखते हैं, या ओपन इंटरवल ए टू बी इस तरह से लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो नंबर लिए हैं वो ए को छोड़कर और बी को छोड़कर, ए और बी के बीच का वैल्यू लीजिए, यानी ए से ले ए और बी के बीच का सभी वैल्यूज को हम इसमें ले लिए हैं, लेकिन उसमें से ए और बी को छोड़ दिए हैं। तो इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ये मतलब है इसका। अगर हम इसको इस नंबर्स को अगर एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो क्या है, ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर को। तो नंबर क्या है? ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब ए से बड़ा है नंबर, तो उसको कैसे लिखेंगे? ए से बड़ा है, तो एक्स क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है? ए से बड़ा है। और फिर क्या है, बी से छोटा है, तो बी से ये छोटा है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो इसका भी मतलब ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, दोनों बात एक ही है। इससे हम क्या समझेंगे कि एक्स का जो वैल्यू है वो ए और बी के बीच का वैल्यू है, ए और बी को छोड़कर, ए और बी इंक्लूड नहीं हुआ है। ये जो सर्कल है ये बता रहा है कि ए इंक्लूडेड नहीं है, बी इंक्लूडेड नहीं है। तो ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है। अब बात करते हैं हम लोग अगले पे, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल क्या होगा? तो उम्मीद है कि आप लोग आइडिया लगा चुके होंगे क्लोज इंटरवल के बारे में। क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल दिखता कैसा है? क्लोज इंटरवल आपको ऐसा दिखेगा, ये रहा ए कॉमा बी, ये बिग ब्रैकेट जैसा ये दिखेगा। तो ये हो गया ए कॉमा बी। यहाँ भी क्या है, ए छोटा है बी से। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर लाइन पे ए यहाँ पे है और बी ये रहा, तो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का मतलब ये हुआ कि हम लोग ए से लेकर के बी तक के बीच में जो नंबर है वो तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ ए को भी इंक्लूड करेंगे और बी को भी इंक्लूड करेंगे। नाम ही है क्लोज्ड, मतलब ए से लेकर बी तक। यहाँ था ओपन, मतलब ए और बी के बीच का, ए और बी को इंक्लूड नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे ए और बी दोनों इंक्लूड है। तो यहाँ पे सर्कल नहीं, सॉलिड डॉट दे रहे हैं हम यहाँ पे, यानी ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है, और उसके बीच का नंबर तो इंक्लूडेड है ही। तो इसको हम अगर इस नंबर्स को अगर एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक्स जो होगा वो क्या होगा, ए होगा और ए से बड़ा भी होगा, यानी ए से बड़ा है और ए के बराबर भी है, और बी के बराबर भी है और बी से छोटा भी है। तो बी से छोटा भी है और बी के बराबर भी है, यानी कि
क्लोज इंटरवल में या तो ये लिखा हो या तो ये लिखा हो, दोनों बात एक ही है, ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम बात करें अगले इंटरवल पे, तो अब हम इन दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे, मतलब ओपन क्लोज, क्लोज ओपन। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ओपन क्लोज के, तो ओपन क्लोज इंटरवल पे बात करें हम लोग, तीसरा है ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो इसमें क्या होगा, इंटरवल इसमें क्या होगा, पहला ओपन दूसरा क्लोज होगा। तो ये दिखेगा कैसे, इस तरह से कि ओपन को हम ऐसे दिखाते हैं, ये ए कॉमा बी, अब क्लोज को इस तरह से, तो ये रहा ओपन क्लोज इंटरवल। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन को तो हम लोग ऐसा भी लिखते हैं ना, ए कॉमा बी, ये रहा ओपन क्लोज। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग नंबर लाइन पे बात करें कि ए यहाँ पे है और ये रहा बी, तो ए पे क्या लगा हुआ है, ओपन। ए पे ओपन का मतलब ये हुआ ए को छोड़कर और ए से बड़ा और बी तक, यानी बी भी इंक्लूडेड होगा, उसके बीच का नंबर तो इंक्लूडेड होगा ही होगा, यानी ए को छोड़कर, यहाँ पे हम सर्कल दे दिए, यानी ए को छोड़ दिए हैं, इसके जस्ट बाद हम लोग नंबर लिए हैं और बी तक गए, यानी कि बी भी इंक्लूडेड है, तो ये मतलब हुआ, यानी ए से बड़ा और बी तक, इसका मतलब ये हुआ, ए यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि इस पर ओपन इंटरवल लगा, इस पर ओपन इंटरवल लगा। अगर इस पूरे नंबर को x से रिप्रेजेंट किया जाए, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि x जो होगा वो क्या होगा, a से बड़ा होगा, a के बराबर नहीं होगा, तो a से बड़ा हो गया x, लेकिन b से छोटा है और b के बराबर भी है, तो ये रहा b से छोटा और ये रहा b के बराबर। तो इसको क्या बोलेंगे, a से बड़ा और b तक, ये इसका मतलब है। अब अगला है चौथा नंबर, क्लोज्ड ओपन, ये ओपन क्लोज था, अब अगला है क्लोज्ड ओपन। अगर हम लोग क्लोज्ड ओपन की बात करें, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, तो इसमें कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो ये ओपन था, अब अगला क्या है, क्लोज्ड है, तो ये आ जाएगा क्लोज्ड ए और ओपन बी। ओपन को हम लोग कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, क्लोज ए और ओपन बी। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर नंबर नाइन पे ये ए है और ये बी है, तो हम लोग जो ये जो क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल मतलब ए से लेकर के, ए भी इंक्लूडेड है, ए के जस्ट बाद का नंबर भी और बी को छोड़कर, बी से जस्ट छोटा, अगर इस पूरे नंबर को एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि एक्स जो होगा वो ए से बड़ा है और ए के बराबर भी, यहाँ सॉलिड डॉट है, तो ए के बराबर ये रहा, और बी से छोटा है लेकिन बी के बराबर नहीं है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये इसलिए बताया जाता है कि जब क्वेश्चन में इस तरह का सिंबल यूज होता है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब समझाने के लिए ये इंटरवल पढ़ाया जाता है। तो अभी हम लोग यूज भी करेंगे इस इंटरवल को, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, पिछले क्लास में हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया था, तो मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको हम थ्योरी भी बोल सकते हैं या फिर प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, तो उसको अभी हम देखेंगे। तो अब हम लोग कुछ थ्योरम देख लेते हैं मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड। तो थ्योरम समझ लो या फिर क्वेश्चन समझ लो, आपको जो भी समझना है, लेकिन याद तो आपको रखना ही रखना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि इफ़ मॉड ऑफ एक्स इज लेस इक्वल ए, जहाँ पे ए क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है। पिछले क्लास में बता दी, पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर ए जीरो से बड़ा है, तो इसका क्या मतलब होता है कि ए पॉजिटिव है। कोई भी नंबर अगर जीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। मॉड ऑफ एक्स लेस इक्वल ए, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है कि जो एक्स का वैल्यू होगा वो माइनस ए से लेकर के ए तक होगा। अभी भी बताए थे इसका मतलब, इसका क्या मतलब है, माइनस ए से लेकर के ए तक, यानी माइनस ए और माइनस ए से बड़ा और ए से छोटा, इसके बीच का नंबर एक्स होगा, ये बात हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं कि मॉड ऑफ एक्स लेस इक्वल ए दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो तभी सॉल्व होगा ना जब मॉडुलस से ये फ्री हो जाए। और पिछले वीडियो में हम क्या बताए थे, मॉडुलस से फ्री करने का क्या तरीका था, कि पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मॉडुलस के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो पहले हम ये पहचानेंगे। तो यहाँ पे देख के हम नहीं बता सकते कि एक्स पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते केस बना के काम करेंगे, दो केस पे काम कर लेंगे। केस वन क्या, कि इफ़ x इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव है या जीरो के बराबर है, तो क्या होगा यहाँ पे कंडीशन। तो कंडीशन ये है कि अगर x जीरो से बड़ा है, जीरो के बराबर होगा तो जीरो हो जाएगा ना, तो जीरो के बराबर हटा देते हैं। तो x क्या है, जीरो से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है, तो ये जो हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये चीज़ें मॉड ऑफ x लेस इक्वल a,
यहाँ से पता चला कि ये एक्स पॉजिटिव है, अमाउंट के अंदर अगर पॉजिटिव है तो उसको जब बाहर निकालेंगे तो एज इट इज़ निकाल देंगे। ये इक्वेशन समझो फर्स्ट हो गया। अब हम लोग केस टू पे काम कर लेते हैं। केस टू, केस टू क्या है? केस टू इसमें क्या मान लेंगे, इफ़ एक्स इज लेस देन जीरो, यानी एक्स क्या है, निगेटिव है। तो ये जो हमारे को क्वेश्चन लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स लेस इक्वल ए, लेस इक्वल ए, तो यहाँ पे एक्स क्या है, निगेटिव है। और अगर एक्स निगेटिव है तो मॉड के अंदर अगर निगेटिव नंबर है तो उसको बाहर निकालेंगे तो अलग से एक माइनस लगा देंगे, तो हो गया माइनस एक्स इज लेस इक्वल ए। अब ये सब जो लेस इक्वल और लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल ये सब जो होता है इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये तो माइनस एक्स का वैल्यू आया हुआ है, हम ये चाहते हैं कि एक्स का वैल्यू आए, तो माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी इनइक्वालिटी हो और माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज करना होता है। क्यों चेंज करना होता है? क्योंकि आप लोग के पास बचपन में इस तरह से क्वेश्चन आता था कि फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह से कि मान लो ये टू है, यहाँ पे बॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे फाइव है, और यहाँ पे बोला कि फिल कीजिए ये वाला सिंबल, ये सिंबल या ये सिंबल। तो ऑब्वियसली आप लोग क्या फिल करते होंगे कि पाँच बड़ा है तो ये वाला आएगा कि ये बड़ा है। लेकिन ज़रा सोचो कि अगर ये जो लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन गलती से अगर यहाँ पे दोनों तरफ माइनस लगा हो तब कौन सा सिंबल आएगा? तब तो ये आएगा नहीं, तब कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब इनइक्वालिटी का साइन होता है, अगर हमें दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है तो इनइक्वालिटी चेंज करते हैं, तभी वो एक्सप्रेशन सही होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो और माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो हमें हमेशा याद रखना है कि इनइक्वालिटी चेंज करना है, नहीं तो वो एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये लेस इक्वल क्या बन जाएगा, ग्रेटर इक्वल माइनस ए। तो अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू। तो ये क्या कह रहा है कि एक्स का वैल्यू ए से छोटा है और ए के बराबर है, और ये क्या कह रहा है, एक्स का वैल्यू माइनस ए से बड़ा है, माइनस ए के इक्वल है। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करके लिखना चाहें तो बीच में लिखते हैं एक्स। अब एक्स जो है किससे बड़ा है, तो बड़ा है माइनस ए से, तो ये हो गया बड़ा है माइनस ए से, और किससे छोटा है, ए से छोटा है, ए से छोटा है, तो ये बात हो गया प्रूव्ड। तो ये थ्योरी याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल ए, और जहाँ पे ए क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, देन प्रूव दैट एक्स इज लेस इक्वल माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर इक्वल ए। अभी इसमें क्या दिया, यहाँ पे क्या था, लेस इक्वल ए था, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर इक्वल ए है, और ए तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कोई नंबर यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। तो इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से कैसे आएगा ये, तो फिर से वही चीज़ करेंगे कि जैसे यहाँ पे केस वन केस टू बनाए काम किए थे उसी तरह से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव हमको पता नहीं है। चलिए काम करते हैं, क्या लेते हैं, केस वन, केस वन में क्या ले लेते हैं, इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये जब बाहर निकलेगा, ये जो हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है, जब ये बाहर आएगा तो एज इट इज आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, तो आपको दिख गया होगा कि एक पार्ट ये प्रूफ हो चुका है। अब हम केस टू पे काम कर लेते हैं। केस टू में क्या है, इफ़ एक्स इज यहाँ ग्रेटर देन लिए तो यहाँ पे लेस देन, तो एक्स लेस देन जीरो का मतलब क्या है, एक्स इज निगेटिव, और अगर एक्स निगेटिव है तो अगर मॉड के अंदर कोई चीज़ अगर निगेटिव है तो उसको जब हम बाहर निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अलग से एक माइनस लगा देंगे। चूंकि एक्स निगेटिव है यहाँ से पता चल रहा है, तो इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो अलग से एक माइनस लगा देंगे। और चूंकि हमको माइनस एक्स नहीं चाहिए, हमको एक्स चाहिए, तो अभी भी बताए थे कि माइनस से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स इज लेस इक्वल माइनस ए, इक्वेशन टू। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देखते हैं हम लोग, या तो एक्स का वैल्यू लेस इक्वल माइनस ए आ रहा है, या फिर एक्स का वैल्यू ग्रेटर इक्वल ए आ रहा है। तो ये हो गया आंसर। हम चाहते हैं इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ये जो चीज़ था ना, इसको भी हम इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते थे। कैसे, इस तरह से। इसको अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये एक्चुअली में क्या है, क्लोज इंटरवल है। कहाँ से, माइनस ए से। ये भी क्या है, क्लोज इंटरवल है ए तक। और इसमें अगर हम बात करें तो क्या होगा, माइनस ए से छोटा, जैसे हम तुम नंबर लाइन पे दिखाएं तो माइनस ए यहाँ पे है तो प्लस ए यहाँ पे होगा, तो माइनस ए से छोटा, माइनस ए से छोटा, तो माइनस ए से छोटा, माइनस ए के बराबर भी है, तो माइनस ए तो ये बराबर भी है, माइनस से छोटा इधर आएगा, इधर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, और इधर क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी।
और ये क्या बोल रहा है, ए से बड़ा, तो ए और ए से बड़ा। तो हम लोग क्या देखें कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक और फिर ए से इन्फिनिटी तक, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक, और चूंकि माइनस ए को हमें इंक्लूड करना है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेगा, और कभी भी इन्फिनिटी में हम लोग क्लोज इंटरवल नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि इन्फिनिटी एक सिंबल होता है बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने का। अगर तुमसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा नंबर बोलो तो हम लोग बोल ही नहीं पाएंगे। इसलिए इन्फिनिटी क्या है, एक सिंबल है बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने का। माइनस इन्फिनिटी क्या है, बहुत छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने का। तो कभी भी इन्फिनिटी पे क्लोज इंटरवल नहीं लगाते हैं। अब हमें इसके साथ साथ इसका भी आंसर लिख चाहिए होगा, तो हम लोग बीच में यूनियन लगाते हैं, यूनियन मतलब उसको मिक्स कर दिए। क्या लेंगे, ए से इन्फिनिटी, तो ए पे चूंकि क्लोज इंटरवल आएगा, चूंकि ए से लेना है तो ए से लेकर के इन्फिनिटी। तो ये सब चीज़ें आपको फंक्शन वाले चैप्टर में बताया जाएगा, ये सब यूनियन इंटरसेक्शन सब बताया जाएगा सेट थ्योरी में। अभी आप बस ये समझें कि अगर ये लिखा हुआ तो इसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं, और अगर ये लिखा हुआ तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, बस ये याद रखना है। अब एक थ्योरी और रह गया है, उसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। इफ़ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, अगर मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए हुआ तो हमें क्या प्रूफ करना है, तो लिख लेते हैं इफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, और ए क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, देन प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है कि x का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस a होगा। फिर से वो दो केस पर आगे काम कर लेंगे। केस वन कि इफ x इज ग्रेटर देन a, अगर सॉरी ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो से बड़ा है तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू जो a लिखा हुआ है एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो a हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। केस टू में क्या लिखेंगे, केस टू में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर x जो है वो निगेटिव है तो हमारे को जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये, तो x निगेटिव है तो मॉड से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू ए, यानी x इक्वल टू माइनस ए। तो ये हो गया इक्वेशन टू। तो फ्रॉम वन एंड टू हम लोग क्या देखेंगे कि x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस ए आ गया। तो ये चीज़ें हमें याद रखना है। तो आज तो हम लोग देख लिए इंटरवल, तो अब ये तीन थ्योरी आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ आएंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग का अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।